अगर आप भी अपने मोबाइल को उंगलियों के इशारे पर चलाना चाहते हैं या उंगलियों के इशारे पर नचाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में मतलब ये कोई मीम्स नहीं है कि आप उंगलियों पर चलाने का मतलब आप टच करेंगे तो वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसे सीक्रेट्स है इस वीडियो में कि आप सिर्फ कोई चीज़ ड्रॉ करोगे तो आपके सामने एक कोई चीज ओपन हो जाएगी, आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो आपके सामने वो चीज़ ओपन हो जाएगी जो आप पहले से सेट करके रखेंगे। तो ज़्यादा समझ आपको तब आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं हूँ चिराग और ये है टेक्सिको यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम किस तरह से अपने मोबाइल को अपने उंगलियों के इशारे पर चला सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। मैं अपने प्ले स्टोर में जाता हूँ और सर्च बार में टाइप करना होगा जेस्चर लॉन्चर। ये देखिए फर्स्ट ऐप आपको दिख रही है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ये आइकन है, आप इसे देख लें। आप इसे प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका मैंने अपडेट इसलिए नहीं किया, कुछ खास हुआ नहीं इसके अपडेट में। वैसे आप कर सकते हैं क्योंकि आप अब डाउनलोड करेंगे तो आपको अपडेट ही मिलेगा। तो इस ऐप को 500,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और 4.3 की इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग बनी जाती है प्ले स्टोर में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे चलाने के लिए सबसे पहले होम पेज पे जाएंगे जहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझे कुछ ऑप्शन देगा, जैसे कि ये ट्यूटोरियल है। मैं इसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा एंड ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ दिख रहे होंगे कि जी से है ओपन जी मेल, एफ से फेसबुक, मैप से एम, ये से बहुत सारे हैं। तो आप क्या करें कि आप ये सभी हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको न्यू बताता हूँ। आप यहाँ प्लस पर क्लिक करें और नेक्स्ट में जाएं और क्रिएट योर जेस्चर। अब देखिए ओपन एप्लीकेशन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरी सारी ऐप शो कर रहा है, ये सारी मेरी ऐप्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं क्रोम को ओपन करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सी ड्रो करूँ और क्रोम ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रोम पर क्लिक कर दूँगा, ओपन क्रोम एंड प्रेस नेक्स्ट हमें करना है। अगर इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि ओपन सिस्टम सेटिंग के लिए, रीसेंट टास्क, या व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन भी अगर हमने करनी है तो उसे भी हम लगा सकते हैं, या हमने कॉल करनी है, डिवाइस को लॉक करना है तो हम क्या करेंगे, फिंगर लॉक स्क्रीन करना है, अनलॉक करना है तो क्या करेंगे, ऐसे बहुत कुछ है, आप खुद देख सकते हैं। मैं एक बार नॉर्मल आपको डेमो दिखा रहा हूँ, देन मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। और अब मैंने वो टाइप करना है जो वो मैंने ग्रो करना है जिससे कि क्रोम ओपन हो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ सी ड्रो करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा, तो देन अगेन मैं कोई सी ड्रो करना होगा, देन अगेन मैंने सी ड्रो करना है एंड डन। ये देखिए यहाँ पर आपको ओपन क्रोम दिख रहा होगा, ये एक और जेस्चर बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जैसे मान लीजिए मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ, तो आपको ये बबल दिख रहा होगा इधर, ये बबल। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाइट स्क्रीन आ जाती है। अब मुझे वो ड्रॉ करना है जो मैंने किया था, तो मैं क्या करूँगा, सी ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ही ड्रॉ करूँगा साथ के साथ देखिए ये क्रोम ओपन हो चुके हैं। इसी तरह और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ प्लस पर जाकर मैं यहाँ पर चूज करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं ओपन एप्लीकेशन दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं इस टाइम कैलकुलेटर ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं कैलकुलेटर सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा और देन मैं प्लस बना देता हूँ कैलकुलेटर के लिए। ओके एंड देन मैं डन पे क्लिक करूँगा और अब मैं होम पेज पर जाके बबल पे क्लिक करूँगा जैसे ही, और अब मैं प्लस बनाऊँगा
ये देखिए कैलकुलेटर ओपन हो चुके हैं, जबकि बहुत ही आसानी से आप किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। जैसे आपने जेस्चर एक बार क्रिएट कर लिया, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आप इसे लगा सकते हैं। आप इसे कट कर देंगे, देन अगेन जब करेंगे तो ये ऊपर भी आपको दिखा देगा, प्रेस टू शो फिंगर ओवर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा शो होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से अपने मोबाइल को अपनी उंगली के इशारे पर चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइए मुझे कमेंट करके, और लाइक पर क्लिक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप इसे डिसलाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।